हे नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव प्रज्वल एंड वेलकम टू माय चॅनल पीएमजी ब्लॉग्स। तो आपण कल जा रहे पंचधारा लेक, यहाँ से 74 किलोमीटर जाना है, 74 किलोमीटर आना है। तो अभी लास्ट टाइम बाइकर्स 40 बाइकर्स थे, इस टाइम इतने बाइकर्स नहीं है, इस टाइम कम से कम 20 बाइकर्स रहेंगे इस टाइम। तो उस टाइम मज़ा आने वाला है, तो करेंगे जाते हैं मोटर ब्लॉगिंग, तो बने रहे इस वीडियो में। अभी रात के बज चुके हैं, 10-15 बज चुके हैं अभी, तो सवेरे होने को बहुत टाइम है अभी, तो रहा नहीं जा रहा है। ऐसा लगता है कब जाऊँगा कि ट्रिप तो जरूर ही पहले से ओके बस स्टार्ट वहाँ। बाहर जाके तो बाइक स्टार्ट करना पड़ता है क्योंकि इतना ज़्यादा शोर होता है ना घर में कि आजू बाजू वाले चिल्लाते हैं बहुत ज़्यादा लोग। It was at this moment that he knew he fucked up. Energy. ये दिन की रात दिन से देख रहा था मैं कि कब संडे आता है और कब मैं घूमने जाता हूँ। तो गाड़ी जो है स्टार्ट हो चुकी है, कोल्ड स्टार्ट भी हो चुकी है, कैमरा जो है रोल भी हो चुका है, सब कुछ ओके। बजे है अभी 5:30, जानबूझ के लेट गया क्योंकि अगर जल्दी कोई जाता है ना तो उसकी इज्जत नहीं रहती, ऐसा मेरा मानना है, तो थोड़ा लेट ही सही। तो चलो यहाँ से स्टार्ट करके और ट्रायल ले लेते कैमरे का। One eternity later. ओए यार, इसका मैंने कैप ही नहीं निकाला, अब व्लॉगिंग कर रहा था ये कैप रह गया निकालने का। ये सब लोग चले गए थे आगे, मैं रह गया था पीछे, तो भगाना पड़ा गाड़ी एकदम ज़्यादा। तो अरे यार, आज की लोकेशन में भी कुछ तो है, भूल गया मैं लोकेशन, ज़्यादा याद नहीं, बताऊँगा आपको बाद में। तो हमारे ग्रुप में आज कम से कम 13 राइडर्स थे, 13 या 15 राइडर्स, और उसमें बहुत ही बाइक्स है। ये एक ब्लॉगर है ब्रो, तो आज ही फुल ऑन तबाही होने वाली है अपने राइड अपने ग्रुप में। ज़्यादा एग्जॉस्ट वाली नहीं है आज, लास्ट टाइम जब मैं आया था तो एग्जॉस्ट वाले लड़के थे, इस टाइम इतने ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट किसी का है नहीं, सिर्फ जीटी का ही है, और होगा एक दुख का किसी का एग्जॉस्ट साउंड अच्छा, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पहले होटल वगैरह थे, यहाँ पे सबने तोड़ दिया गवर्नमेंट ने, अभी जिनका भी होटल था वो अभी बिजनेस ठप हो गया उनका, बेचारे अभी पता नहीं कहाँ अपना बिजनेस चला रहे होंगे। रोड भी इतना ख़राब है ना, यहाँ तो लगता है कि
ऐसा लगता है कि अपना गाड़ी को अपने उस पर दो विंग्स लगा लो, उसमें जेट इंजन लगा लो और गाड़ी उड़ा दे जाओ। तो दो तीन लोगों ने कहा है कि मुझे भी वीडियो में लेना, तो इन भैया ने भी कहा था कि मुझे वीडियो में लेना। तो भैया आप वीडियो में आ चुके हो। और रोल तो रहा है, फट गई थी मेरी, अगर कैमरा रोल नहीं होता ना तो पूरा मेरा कंटे वो चले जाता। अभी अभी मैं जब गाड़ी स्टार्ट किया ना तो सबसे पीछे रह गया था मैं, कैमरा जो सेटअप कर रहा था मैं, तो वो आगे निकल गया कम से कम 1 किलोमीटर, तो भगाना पड़ा मुझे वो। यार कैप्चर करना था, कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि कैमरा के आगे जो है ना ये लगा था उसकी कैप। तो इतना रश नहीं है आज, थोड़े कम राइडर थे लास्ट टाइम जैसे बहुत सारे राइडर्स थे, 30-40 बाइकर्स थे, तो इस टाइम 13 या 15 बाइकर्स ही है, 15 के 20 अंडर बाइकर्स होंगे। तो अभी GT उसके पीछे अपाचे, फिर R15, दो तीन R15 है। आज भैया ने गाड़ी चेंज कर दी, तो इन्होंने भी कहा मुझे कि मुझे फ्रेम में ले लीजिए करके। दादा तू फ्रेम मध्ये आला, साउंड्स लाइक गुड। खुद से बात करना थोड़ा डिफिकल्टी होता है क्योंकि हेलमेट के अंदर आपका चेहरा होता है, चेहरे के अंदर आपका मुंह छोटा था, और उसमें खुद से बात करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि कैसे बात करूँ क्या बात करूँ, फिर भी चलता है ना। अगर एक बार आदत लगी ना फिर तो कुछ लगता नहीं है। और तो कल जो पेट्रोल फुल कर लिया था मैंने, फुल यानी भरा था मैंने, 700 रुपये पेट्रोल भर दिया था, तो थोड़ा कम हो गया था पेट्रोल। घर के लोग गाड़ी लेके आते हैं ना, पेट्रोल भरते नहीं घर को, उनको पता है कितनी क्या लगता है कि गाड़ी बैटरी पर चलती है, पानी भी चलती है या हवा भी चलती है, पेट्रोल डालते नहीं घर के लोग। जो साथ में मेरे और एक लड़का है वो भी यूट्यूब पर करता है मोटर ब्लॉगिंग, कैमरे में आते को मैं खुद को देखना चाहूँगा कि मैं कैसे लगता हूँ उसमें। तो आज है एग्जॉस्ट डे। अरे 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 क्यों ऐसा क्यों, खैर भाई है एग्जॉस्ट है, इसमें लगा है एग्जॉस्ट, लगता है कि एक्रोपोलिश लगा है इसमें, एक्रोपोलिश ही है शायद। हाँ क्योंकि शेप ऐसा लग रहा है, अभी नाम देखने आऊँगा ना तो फूक जाऊँगा आगे जाके मैं। ऐसे लोग देखते होंगे ना उनको लगता होगा कि भाई क्या गैंग कह रही है, हमको भी इसमें शामिल होना है। ये सोचता था मैं पहले भी कि जब मैं 2-4 साल पहले की बात है, मैं सवेरे जा रहा था गाँव को, तो मैंने देखा था कि कोई ग्रुप है जो जा रहा है, तो सोचा था मैंने कि मैं बाइक लूँगा तो मैं भी तो राइड्स करूँगा ऐसे, और नाउ द ड्रीम इज कंप्लीटेड। तो क्योंकि फीलिंग करवाना होगा जैसे रुक रहे, सगळ्यांना घेतली व्हिडिओ मध्ये आज, सगळे दिसले व्हिडिओ मध्ये आज, चालू मग दाखवलं मी आज पिछे आपको भी आज सब आहे अभि मी स्वतः मी स्वतः मागे होते बघूत पिछे वर आभी ओके। अब ये तीन लोग को मुझे कैमरे में कैप्चर कर रहा है, तो तीनों भी एक ही फ्रेम में, इधर इतना स्लो जा रहे हैं, वो इतना स्लो जा रहे हैं ना तो बोर टाइप लग रहा है मुझे। ऐसा लगता है कि ड्यूक 700 खरीद लो मस्त, जब भगाओ पर 200 की स्पीड से मतलब बाय बाय।
One eternity later. तो अभी थोड़ा सवेरा हो चुका है, अभी हम कितने बजे हैं, अभी 6:30 बज गए, मुझे लगा कि 7:30 बजे हो गए। बैटरी कितनी है पता नहीं यार, अभी कैमरा बैटरी कम चली आज तो, अच्छी खासी बैटरी चलती है यार। शिट यार, सिर्फ 1 घंटे रह गए इसकी। तो कुछ कारस्तानी करने वाला हूँ यहाँ पे मैं, कैमरा रोलिंग। ओके कैमरा रोलिंग। बैठना पड़ेगा भाई इसमें तो। तो लग रहा है कि यही डैम है, ये ऊपर वाला। पानी बहुत तो थोड़ा बहुत है। शायद ऊपर जाना है लगता है। शिट, कैमरा की बैटरी भी खत्म होने वाली है। बैटरी कुछ हाँ, तो वही हुआ जिसका था डर, कैमरे की बैटरी हो गई डाउन। तो बॉय बॉय, तो हमें आ चुके यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहाँ पे रहेगा पानी, पर पानी के नाम पे सिर्फ यहाँ पे बंजर जमीन है, बड़े बड़े पत्थर, ये छोटे छोटे पत्थर। ऐसा लग रहा था कि ठंड नहीं रहेगी, पर ठंड फिर भी है। अभी भी जैकेट पहन के, अभी भी ठंड तो लग रही है भाई।